हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एक्लेवे स्टडी पॉइंट तो आज हम क्लास टेन की एसएसटी से ज्योग्राफी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाला है बहुत ही जल्द उस एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी और उस एग्जाम में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस बेस पे ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देख कर जाइएगा अच्छे से पढ़ कर जाइएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे आज शॉर्ट क्वेश्चन तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है खादीन और जोहड़ क्या होता है हमें खादीन और जो जोहड़ है उनका मतलब बताना है तो हम इसका मतलब ये होता है कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें जो वर्षा का जल होता है ना उसको एकत्रित करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है जितने भी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं ना वहां पर वर्षा का जो जल होता है उसको इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बनाया जाता है उसी को हम खादीन और जोहड़ कहते हैं राइट और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दे जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा तो होती है फिर भी वहां जल की कमी होती है वर्षा बहुत होती है फिर भी वहां जल की कमी होती है तो वो है मेघालय का राजधानी शिलोंग नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है कि जो राजस्थान है वहां पे जो छत में जब वर्षा होती है तो जो वर्षा का जल है उसको संग्रह यानी उसको इकट्ठा करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं वहां राजस्थान में तो उसको कहते हैं टाका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और नेक्स्ट है हमारा कि जो टिहरी परियोजना है वो किस राज्य में किस नदी पर बनाया गया था तो वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया था और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सलाल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में निर्मित की गई है तो जम्मू व कश्मीर के बेनाव नदी पर यह जो सलाल परियोजना है बनाई गई थी और भारत में जो भूमि निम्नीकरण है उसके लिए मुख्य दायी उत्तरदायी हमें किन्नी चार जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं दो तरीके से क्रियाकलाप होते हैं कि एक तो मानवीय क्रियाएं होती है और एक प्राकृतिक क्रियाएं तो हमें यहाँ पे मानवीय क्रियाओं के बारे में बताना है जो कि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है राइट तो हमारे चार हो सकते हैं वनों का कटना वन की कटाई हो रही है ज्यादा खेती करने के गलत तरीके खनन अत्यधिक हद से ज्यादा खनन हो रहे हैं वो भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है अति पशुचारण पशुओं को अति चारण करवाना एक ही प्लेस पे बहुत ज्यादा पशुओं से चार और अधिक सिंचाई तो ये कुछ कारण है जो कि भूमि निम्नीकरण के लिए बहुत ही ज्यादा मुख्यतः उत्तरदायी है राइट तो आप इन चारों में से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं और अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे तो सबसे पहले हम देखते हैं खादर और बांगर में हमें अंतर स्पष्ट करना है कि जो खादर है और जो बांगर है उसमें अंतर क्या होता है इनमें डिफरेंस क्या है ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो देख लेते हैं हम इसका आंसर सबसे पहले हम देखते हैं बांगर तो बांगर क्या होता है प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और इसमें क्या है कंकर और होता है ना कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्योंकि बहुत पुरानी होती है इसलिए इसमें कंकड़ पाए जाते हैं और क्योंकि ये बार बार नवीकरण नवीकरण नहीं होता इसका बार बार नवीकरण नहीं होता इसीलिए ये भी ये प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है और ये ना नदी से दूर नदी से दूर जो ऊंचे स्तर होते हैं वहां पर पाई जाती है और दूसरी और जो खादर है वो नई जलोढ़ मृदा है बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा है और जो खादर है वो नई जलोढ़ मृदा है और जो खादर है ना वो अधिक बारीक और रेतीली होती है बांगर में तो कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं ठीक परंतु जो खादर है उसमें वो बिल्कुल बारीक होता है और रेतीला होता है और जो खादर है वो बार बार नवीकरण होता रहता है और ये जो है नदी के पास डेल्टा जो होता है नदी के पास वहां पर और जो बाढ़ निर्मित मैदान होते हैं ना जो बाढ़ों के द्वारा मैदान बन जाते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं खादर मृदा तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट देख लेते हैं हम पृथ्वी सम्मेलन उन्नीस बानवे पर टिप्पणी लिखनी है हमें जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस पर तो आप कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं कि जून 1922 में रियो डी जनेरो ब्राजील में जो है वहां पर आयोजित हुआ था ये सम्मेलन और सौ से अधिक देशों के राष्ट्रपति आए यहाँ पर भाग लिया था इन्होंने इस सम्मेलन में और विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और जो सामाजिक आर्थिक समस्या है उसका हल ढूंढने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था और यहाँ पे क्या हुआ था ना इस सम्मेलन के जो नेताओं द्वारा भूमंडली जो जलवायु परिवर्तन है और जो जैविक विविधता है उसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था और भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर भी सहमति मिली थी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह फ्रेम कर सकते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम कि मृदा अपर्दन को किस प्रकार रोका जा सकता है यानी मृदा का जो अपर्दन हो रहा है उसको रोकने के उपाय बताने हमें तो पहले आप ये बता सकते हैं कि नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम किया जा सकता है कि नदियों पर बांध बना दिया जाए और जिससे क्या होगा उनका जो बहाव है वो कम होगा तो इस वजह से मृदा क्या होगी उसका कटाव भी कम होगा जिसकी वजह से मृदा अपर्दन भी कम होगा और फिर अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए राइट ताकि मृदा का जो पकड़ है वो बना जाए बना रहे पेड़ों के जड़ों के द्वारा और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर कांटेदार वनस्पति लगा दी जाए और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें सीढ़ी नुमा खेती करी जाए और जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ना उनके किनारे पर भी पेड़ लगाया जाए तो ये कुछ उपाय है जो कि मृदा प्रदन को रोक सकते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र और जो कुल बोया गया क्षेत्र होता है उसमें हमको अंत स्पष्ट करना है तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है मतलब आपको कोई भी एक क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उस भाग में जितने में भी उपयोग वो भूमि है मान लीजिए पूरा भूमि है तो इसमें जितना भी पार्ट कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है तो वो क्या होगा वो होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र ठीक है और भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग जो आधा भाग है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है मान लीजिए पूरा भारत की मृदा है तो इसमें जो आधा भाग है ना ये पूरा आधा भाग ये क्या है बिल्कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र है राइट और जो इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र में क्या होता है जो गणना होता है वो वर्ष में एक फसल के आधार पर होता है कि मतलब वर्ष में एक फसल कितना हुआ है राइट और दूसरी और जो कुल बोया गया क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं एक और जहां शुद्ध बोया गया क्षेत्र में एक फसल के आधार पर होता है परंतु जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसमें एक से अधिक फसल बोए जाते हैं और कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है क्योंकि शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो 50 परसेंट ही है आधा ही है परंतु जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र से ज्यादा है अगर शुद्ध बोया गया क्षेत्र इतना है तो जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो इतना है राइट ये कि मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र से ज्यादा है और जो गन्ना है जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसमें गन्ना जो है वर्ष में एक से अधिक फसलें बोए जाने पर होता है उसके आधार पर होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र में एक फसल के आधार पर होता है परंतु जो कुल बोया गया क्षेत्र है वहां पर एक से अधिक फसलें बोए जाने के आधार पर होता है राइट right? तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया होगा अब हम देखते हैं कि जो संसाधन है उनका नियोजन क्या है उनका नियोजन करना क्या होता है और वो क्या नियोजन क्या होता है हमें ये बताना है तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो संसाधन नियोजन है वो संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है मतलब संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना और उन उनका जो कौशल है वही होता है संसाधन नियोजन और जो संसाधन है वो सीमित है और उनका वितरण भी असमान है कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम इसकी वजह से भी और विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है मतलब विवेकपूर्ण उपयोग मतलब सतत पोषणीय आपने आपने पढ़ा होगा अगर आपने की वीडियो देखी है तो उसमें कि जो विवेकपूर्ण उपयोग है मतलब सोच समझकर उपयोग करना संसाधनों का वो भी नियोजन के लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है राइट तो संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक है और कौशल है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है वहाँ पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि उन्नीस में क्लब ऑफ रोन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी और उन्नीस में शुमशर ने पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल जो एक पुस्तक है जिसका नाम है स्माइल इज ब्यूटिफुल उसमें गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की थी और उन्नीस में ब्रिटलैंड में आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और महत्वपूर्ण योगदान सबसे महत्वपूर्ण योगदान था पृथ्वी सम्मेलन उन्नीस का जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें ये ज, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किए गए प्रयास है जो कि संसाधन संरक्षण के लिए किए गए हैं आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो साइड में एक बॉक्स बना हुआ है वहां पर आपको ये आंसर इजीली मिल जाएंगे अदरवाइज आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाघ परियोजना जो थी उस पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है तो जो बाघ परियोजना है वो उन्नीस में शुरू की गई थी और जो बाघों की संख्या है वो निरंतर घटने जा घटती रह, घट रही है जिसके कारण इस परियोजना को शुरू किया था कि जो बाघों की संख्या जो घट रही है उसको नियंत्रण करने के लिए और प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना है वो विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक था जो बाघ परियोजना था ठीक है और इसको उन्नीस में शुरू किया गया था और जो बाघों की संख्या निरंतर घट रही है उसको उसकी वजह से उसको नियंत्रण करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था अब हम देखते हैं कि जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं उनको किन प्रकार में बताया गया है ये आपको समझाना है तो उनको चार प्रकारों में संज उनको समझाया चार प्रकारों में बांटा गया है पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन जिसमें व्यक्ति के स्वामित्व होता है जैसे कि बाग बगीचा तालाब पार्क सॉरी बाग चारागाह अगर कोई खेत है आपका तालाब है ठीक जिसमें का है जिसमें व्यक्तिगत संसाधन होते हैं और दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन जैसे कि तालाब सॉरी जिसमें जिसमें गांव का पूरा जैसे होता है ना कि एक एरिया होता है जहाँ पे गांव के सभी लोग पशु चालन करवाते तो वो क्या हो गया वो सामुदायिक संसाधन हो गया ठीक और उसी प्रकार होता है राष्ट्रीय संसाधन जो सिर्फ राष्ट्र की सरकार के लिए होता है ठीक है तो राष्ट्रीय सरकार को अधिकार की वह राष्ट्र हित में व्यक्ति का संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है जैसे कि खनिज संसाधन जल संसाधन ठीक है वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं जब हमारी राजनीतिक सीमा होती है उसके भीतर जो संपूर्ण भूमि है वो भी राष्ट्रीय संसाधन होती है और नेक्स्ट होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन इसमें क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं ना वो ना किसी राष्ट्र के होते ना किसी समुदाय के ना किसी व्यक्ति का इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उनका अधिकार होता है राइट जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन द्वारा नियम बनाना तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर जो खुले महासागरी में जो संसाधन होते हैं उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता अंतरराष्ट्रीय संसा आ, किसी देश का तो अधिकार होता नहीं है संसाधनों का संगठनों का होता है तो इस वजह से उसका उपयोग भी कोई नहीं कर सकता विदाउट अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के राइट right? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार डिटेल में लिख सकते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो वन्य प्राणी हैं तथा उन तथा वनों के विनाश के किन्हीं तीन दुष्प्रभावों का मैं वर्णन करना है कि जो वन प्राणी है और जो वन है उनका विनाश क्यों हो रहा है उसकी दुष्प्रभाव यानी जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं हमें वो बताना है सबसे पहले कि वन कटाई के परोक्ष परिणाम जो सूखा है और बाढ़ बाढ़ बढ़ रहा है वनों की कटाई की वजह से बाढ़ आते हैं सूखा पड़ जाता है और जो जैव संसाधन है उनका विनाश हो रहा है सांस्कृतिक जो विविधता है उसके विनाश हो रहा है जो हमारी सांस्कृतिक में कितनी तरह की विविधताएं तो उसका विनाश हो रहा है धीरे धीरे संसाधनों का विनाश हो रहा है और वनों पर आधारित जो समुदाय हैं वो निर्धन होते जा रहे हैं कुछ ऐसे समुदाय है तो होते हैं जो कि वनों पर आधारित होते हैं जैसे कि आदिवासी वगैरह तो वो निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से एकदम हाशिए पर पहुंच गए हैं राइट और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तीन कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि जो भारत है उसमें स्वतंत्रता के बाद वन संसाधनों का हाश हुआ है हमें ये बताना है तो इस कुछ तीन कारण हम ऐसे बता सकते हैं जो कृषि का फैलाव है वो प्रमुख कारण पश्चिमी बंगाल में हुआ बक्सा टाइगर डोलामाइट में खनन के कारण गंभीर खतरा हुआ और जो पश्चिम बंगाल में जो खेती हुआ उसके कारण भी ठीक है और जो नदी घाटी परियोजना है उसके कारण भी वन क्षेत्रों को विनाश हुआ नदी घाटी परियोजना बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया राइट और जो पूर्वोत्तर और जो मध्य भारत है उसमें स्थानांतरण खेती के कारण भी वनों की कटाई हुई जितने देर में जितने दिन वहां पे खेती हुई तो उसने देर एरिया का पेड़ पेड़ काट दिया और फिर कुछ समय बाद दूसरे जगह पे गए तो वहां का पेड़ काट दिया तो इसी वजह से स्थानांतरण जो खेती थी उसके कारण भी जो वनों का विनाश हुआ ठीक है तो ये ऐसे ये कुछ कारण थे जिसके कारण जो भारत है उसमें स्वतंत्रता के बाद जो संसाधन है उनको बहुत ही ज्यादा हार्श हुआ है तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भारत है उसमें वनों को कितने भागों में वर्गीकृत वर्गीकृत किया गया है हमें ये बताना है तो भारत में वनों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है आरक्षित वन रक्षित वन और अंतर्कृत वन और जो रक्षित वन होते हैं ये दो बार लिख दिया है सॉरी और देखिए आरक्षित वन रक्षित वन और अवर्गीकृत वन या फिर अंतर्कृत वन राइट तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जिसको भारत में वनों को वर्गीकृत किया गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैव विविधता क्या है इसको बताना है हमें और ये जो है वो मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है तो वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं जैव विविधता का मतलब ये होता है कि विभिन्न तरह के जंतुएँ पाना विभिन्न विभिन्न अलग अलग, अलग तरह के पेड़ पौधे पाना इनसे मिलकर ही जो अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनसे पादप होते हैं उनसे मिलकर ही जैव विविधता बनता है राइट और जो जैव विविधता है वो मानव और दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल परिस्थिति तंत्र के द्वारा जुड़े हुए हैं और जिससे परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं जो मानव और जो जीवधारी हैं वो आपस में एक मिलकर ठीक है और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं जो वन परिस्थिति की होती है तंत्र होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैव विविधता में तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा नेक्स्ट हम देखते हैं कि संयुक्त तो वन प्रबंधन कार्यक्रम की तीन विशेषताओं का वर्णन करना है तो संयुक्त तो वन प्रबंधन है उसका कार्यक्रम के बारे में हमें बताना है तो जो स्थानीय समुदाय है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है इस योजना का प्रारंभ सन 1988 में हुआ था और इसमें गांव के स्तर तक संस्थाएं बनाई जाती हैं और ग्रामीण और जो वन विभाग है उसके अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन्य जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का हमें वर्णन करना है कि जो वन का जीवन होता है उसको बचाने के लिए जो स्थानीय समुदाय होता है उसकी भूमिका बतानी है हमें तो पहले आप लिखेंगे कि जो राजस्थान में हम आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि राजस्थान में अलवर जिले में पांच गांव के लोगों ने लगभग बारह हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाक सेंचुरी घोषित कर दी जैसे क्या हो गया समुदाय ने भूमि भूमि बचा ली ठीक है वन्य जीवन बचा लिया और मेरो देव डाकव सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार वर्जित कर दिया गया जिससे क्या होगा वहां के जो जानवर होंगे वो बच जाएंगे शिकार को वर्जित किया कर दिया गया तो राइट और राजस्थान में विष्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया गया कि आप देखते होंगे आपको पता होगा कि काले हिरण जो है वो बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति में है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गए हैं तो इनको बचाने के लिए राजस्थान में जो विष्णोई समाज है उसने बचाव किया तो ये कुछ भूमिकाएं थी जो कि जीव वन्य जीवन संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय द्वारा किया गया था और नेक्स्ट देखते हैं हम कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन उसका वर्णन करना है हमें कि जो चिपको आंदोलन था वो क्या है जो कि हिमालय में प्रसिद्ध है तो ये हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था वहाँ हिमालय के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था और ये जो आंदोलन है वो सुंदर लाल और बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था ये एक व्यक्ति थे सुंदर लाल ब्रह उनके द्वारा ये शुरू किया गया था और इसमें स्थानीय लोग पेड़ों से लिपट जाते थे और कहते थे कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किन राज्य में स्थित है हमें ये बताना है तो सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है उत्तरांचल में और सेकेंड बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है और सरिस्का ये राजस्थान में है मानस बाग रिजर्व ये असम में है और पेरियार बाग रिजर्व ये केरल में है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो गुल होता है और कुल होता है वो क्या होता है हमें ये बताना है तो जो पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल और कुल कहते हैं मतलब जो हिमाचल होता है ना वहां पे जो हवाई हवाएं चलती है ना उनको ही कहते हैं गुल और कुल तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल और कुल कहा जाता है और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए किए गए तीन कार्यों का हमें वर्णन बताना है हमने अभी देखा था उत्तरदायी कारण अब हमें इसमें कारण बताने और उनका वर्णन करना है कि तो तो इसका आंसर होगा भारतीय वन जीवन अधिनियम उन्नीस का निर्माण जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई वनों का वर्गीकरण किया गया तो ये कुछ आम, उपाय थे जो कि वन संरक्षण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किया गया था अब हम देखते हैं कि जो वर्षा जल संग्रहण है मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करना वो क्या है हमें ये बताना है और भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की जो कोई दो विधियां हमें बतानी है तो वर्षा जल संग्रहण ये एक तरह की तकनीक होती है जिसके द्वारा वर्षा के जल को ना खाली स्थान में या घरों में टैंक बेकार पड़े हुए कुएं आदि में भरा जाता है और बाद में इसका प्रयोग किया जाता है यह एक तरह से पानी इकट्ठा करने की तकनीक होती है और पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बना रखी हैं गुल और कुल होता है ना जैसे कि एक रास्ता जैसा बना देते हैं कुएं जैसा बना देते हैं जिनको हम वही भी कहते हैं गुल अथवा कुल वही होती है ठीक है और नदी की धारा का रास्ता बना देते हैं रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है तो क्या होता है वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं और एक रास्ते की तरह बना देते हैं जिसको वो गुल और कुल कहते हैं और उसको क्या करते हैं वो खेतों से जोड़ देते हैं और राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत जो है वो वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है ठीक है राजस्थान में और नेक्स्ट है कि जो पश्चिम बंगाल है उसमें बाढ़ के मैदानों में जो लोग हैं वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं ठीक है थीके? और जो और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए दिए जाते हैं तो ये कुछ तरीके थे विधियां थी वर्षा जल संग्रह को इकट्ठा करने की वर्षा जल संग्रह वर्षा के जल को इकट्ठा करने की एक तकनीक है और नेक्स्ट देखते हैं हम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है बहुउदेश नदी घाटी जो परियोजना है उसके चार लक्ष्य हमें बताने हैं तो नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार कार्य लिए जाने को ही हम बहु उद्देश्य परियोजना कहते हैं इससे क्या होता है इसके बहुत सारे उद्योग हैं उद्देश्य होते हैं इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है खेतों में प्रॉपर पानी भी मिल पाता है लोगों को भी पानी मिल पाता है तो इस वजह से क्या होता है इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिस वजह से इसको बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं प्रमुख उद्देश्य होते हैं विद्युत उत्पादन करना सिंचाई करवाना घरेलू और औद्योगिक जल की आपूर्ति करना नौ संचालन बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन तो हुए ना इसके बहुत सारे उद्देश्य इसलिए इसको बहु उद्देश्य परियोजना भी कहते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है हमें ये बताना है तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में तेजी से उद्योगिकरण हुआ तेजी से उद्योग बढ़ते गए तो उद्योगों की जो बढ़ती संख्या है उसके कारण क्या हुआ जो अलमणीय जल है उसका अत्यधिक प्रयोग हो गया क्योंकि उद्योगों से जितना भी कचरा रासायनिक पदार्थ निकलते वो नदियों में ही बहा दिया जाता था तो इससे क्या हुआ अलवनीय जो जल है उसका अत्यधिक प्रयोग हुआ और जो शहर है उसकी क्योंकि उद्योग बढ़े तो उसके कारण शहर भी बढ़ने लग गए तो फिर क्या हुआ शहरों में भी आबादी बढ़ने लग गई तो शहर की जो बढ़ती आबादी है और जो शहरी जीवन शैली है उसके कारण भी जल ऊर्जा की जो है आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हुई और शहरों तथा गाँव में जल संसाधनों का अति शोषण मतलब बहुत ही ज़्यादा शोषण किया गया गांव में किस तरह से वहीं पर पशुओं को नहलाना कपड़े धोना राइट और शहरों में कचरा दाना शिविरों को नदियों में बहा देना तो इन सब कारणों की वजह से उद्योगों के रासायनिक जो कारण अवशेष होते हैं उनको नदियों में बहा देना तो ये सब कुछ कारण है जो कि औद्योगिक और शहरीकरण है जो कि जल दुर्बलभता यानी बहुत मुश्किल से जल मिल रहा है उसके उत्तरदायी कारण है और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं ऊर्जा को हम किस प्रकार बचा सकते हैं हमें ये बताना है तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अपने तरीके से बनाकर भी लिख सकते हैं कि जरूरत ना होने पर बिजली बंद कर दी जानी चाहिए सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए राइट जो सार्वजनिक वाहन होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए और जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो सीमित है और इनका प्रयोग बड़े ही ध्यान से करना चाहिए ठीक है और जो नवीकरणीय संसाधन है उनका प्रयोग करना चाहिए जिनको नवीनकर जिनको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा बनाया जा सके ऐसे संसाधनों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए और जो विद्युत बचत है उसको करने के लिए उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जैसे बिजली की बचत होती है हमें उन उपकरणों का भी यूज़ करना चाहिए ये कुछ उपाय हैं जो कि हम ऊर्जा संरक्षण के लिए कर सकते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है हमें खनिजों को बचाने की जरूरत क्यों है और इसके जो संरक्षण है उसके उपाय बताने हमें तो खनिज जो हैं वो हमारे उद्योग कृषि के आधार है जो हमारे उद्योग होते हैं और जो कृषि है उसके आधार होते हैं अगर खनिज नहीं होगा तो उद्योग नहीं होंगे फॉर एग्जांपल अगर हम लोहे की ले बात करें तो अगर लोहा नहीं होगा तो कई उद्योगों में काम नहीं हो सकता और क्योंकि जो खनिज होते हैं वो नवीकरणीय योग्य नहीं होते हैं जिस कारण भी हमें बचाने की आवश्यकता है और निक्षेपों की जो कुल मात्रा है वो भी बहुत कम है मतलब बहुत कम जगहों पर ही खनिज पाए जाते हैं निश्चेप बहुत कम है जिसकी वजह से भी हमें इनको बचाने की आवश्यकता है और इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं ठीक है जो कि बहुत ये कुछ कारण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खनिजों के संरक्षण के लिए और इनको बचाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका उपयोग किया जाए ठीक है और जो आ, कम से इनके वैकल्पिक स्रोतों का हमें ढूंढना चाहिए इनके जो वैकल्पिक स्रोत होंगे हमें उनको ढूंढकर उनका उपयोग करना चाहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो मनुष्य है उसके विकास की सभी अवस्थाओं में खनिज एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो हमें यह बताना है यहाँ पे कि जो खनिज है उसी की वजह से जो मनुष्य है उसकी विकास की अवस्थाएं वो विकास कर पाया है हमें ये बताना है तो जो मानव समाज है वो निरंतर विकास और परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है राइट और प्रारंभिक मानव जीवन से लेकर आधुनिक विकसित समाज तक रोजमर्रा के जो जीवन है उसमें खनिजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है आप हर छोटी से छोटी चीज़ जो भी चीज़ करते हैं उन सभी में आपको खनिज कहीं ना कहीं आपके घरों में भी खनिज बहुत दिख जाएंगे कहीं ना कहीं आप चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे खनिज दिख जाएंगे जो कि आपको दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं परिवहन के साधनों जैसे सड़क रेलवे आदि के निर्माण में भी खनिज चाहिए त्योहारों में त्योहारों में धार्मिक अनुष्ठानों में भी खनिजों का प्रयोग होता है जीविका चलाने में भी खनिज चाहिए राइट और रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करने के लिए खनिज चाहिए हमें तो ये खनिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे वजह से क्या होता है जो मनुष्य है उसकी विकास के कारण बनते हैं खनिज अब हम देखते हैं कि जो लौह खनिज है वो आधुनिक उद्योग विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है एक तरह से हम बता दें तो लौ जो लौह उद्योग होता है या जो लौह खनिज होता है जो कि हमें मिलता है वो ना उद्योगों का रीढ़ की हड्डी होती है एक तरह से होता है ना कमर में रीढ़ की हड्डी ना होने की वजह से इंसान झुक जाता है तो वैसे ही अगर लौह खनिज ना हो तो जो उद्योग है वो विकास नहीं कर पाएंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं तो लौह खनिज जो होते हैं वो आधुनिक उद्योगों के जो है रीढ़ होते हैं क्यों क्योंकि जो धातु शोधन उद्योग होते हैं उनको मजबूत आधार प्रदान करता है लौह खनिज और उद्योग जो है मशीनों प्रौद्योगिक का निर्माण इनसे ही होता है अगर लौह नहीं होगा तो मशीन का निर्माण नहीं होगा राइट और औद्योगिक उत्पादन की इन पर निर्भरता ही स्पष्ट है कि जो औद्योगिक उत्पादन होते हैं उद्योगों में जो उत्पादन होता है वो लौह खनिजों पर ही निर्भरता रहता है निर्भर रहता है राइट तो ये कुछ आ, कारण है जो कि लौह खनिज को हम आधुनिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की अच्छे भविष्य के बेहतर विकल्प है हमें ये बताना है कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं जो कि कई ख़त्म नहीं होंगे और उनका एक बार उपयोग के बाद हम दोबारा उनको उत्पन्न कर सकते हैं ऐसे जो खनिज हैं वो ऊर्जा संसाधन के अच्छे बेहतरीन विकल्प साबित होंगे भविष्य के लिए हमें ये बताना है और इस कथन के पक्ष में अपने विचार को प्रकट करना है तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो ऊर्जा के परंपरागत जो जीवाश्म ईंधन है जो कि गैर नवीकरणीय होते हैं राइट और इससे बढ़ते उपयोग ने न केवल इसका भंडार सीमित कर दिया है बल्कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या का भी उत्पन्न होता है जो जीवाश्मी जो परंपरागत ऊर्जा जो नवीकरणीय नहीं होते गैर नवीकरणीय होते हैं उनसे पोल्यूशन भी इतना होता है और अत्यधिक उपयोग से इनकी जो भंडार है वो भी सीमित हो गया है तो इनकी जो संभावना है कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए प्रति चिंता पैदा कर दी है राइट तो आप इन तरीकों को भी बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है वो इस वजह से भी अच्छे भविष्य का कारण बन सकते हैं क्योंकि एक बार उपयोग के बाद हम इनको दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे जैसे कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है राइट तो इन अगर एक बार ये एक बार हम उपयोग कर लेते हैं इनको दोबारा रीयूज कर सकते हैं री दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं तो अतः है जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जैसे कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ज्वर ऊर्जा जैविक आदि उपयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण हैं जो कि आवश्यक हैं। इनके जो भंडार है वो असीमित हैं जैसे कि मैंने बताया कभी खत्म नहीं होंगे और इनसे क्या होता है कि प्रदूषण का स्तर भी बिल्कुल भी नहीं होता और अत्यधिक कम हो जाता है प्रदूषण का स्तर भी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अनुकूल है ये पर्यावरण के भी अनुकूल होते हैं तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हम नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन है वो अच्छा भविष्य के लिए विकल्प बन सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है इस कथन के में हमें समर्थन में एक तर्क देना है ठीक है कि किस प्रकार अगर हम ऊर्जा को बचाते हैं तो वही जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है तो ऊर्जा संरक्षण में वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं और वर्तमान में भारत विश्व के अल्पमत ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है ऊर्जा के जो सीमित संसाधन है उनके न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्ण तरीका अपनाना होगा सबसे पहले जैसे कि एक जागरूक नागरिक के रूप में निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें बिना जरूरत बिजली के यंत्रों का प्रयोग ना करें और हम अपना योगदान दे सकते हैं आखिरकार ऊर्जा की बचत ही उत्पादन है अगर आप ऊर्जा को बचाते हैं तो वही ऊर्जा का उत्पादन होगा ठीक है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रूढ़ हड्डी क्यों कहा जाता है अभी हमने देखा ना कि कैसे लॉ खनिज को कहा जाता है तो उसी प्रकार जो विनिर्माण उद्योग है जो कि उद्योगों से रिलेटेड है प्राकृतिक वस्तुओं को द्वारा विनिर्माण के जरिए बदला जाता है उद्योगों से रिलेटेड होता है जो कि तो जो विनिर्माण उद्योग है उसको किस लिए भारत की जो आर्थिक विकास की है उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भारत में तो जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास का मुख्य आधार जो है वो विनिर्माण उद्योग होता है कृषि के आधुनिकीकरण में भी सहायता करता है विनिर्माण ने ठीक है और द्वितीय तथा तृतीय जो सेवाएं हैं उसमें भी रोजगार उपलब्ध करता है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है बेरोजगारी और जो गरीबी है उसको दूर करने में सहायता होता है राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है और जो दैनिक आवश्यकता है उसको पूरा करता है तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से विनिर्माण उद्योगों को भारत की आर्थिक व्यवस्था का विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान योगदान का वर्णन करना हमें जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आ, सूचना प्रौद्योगिकी उसके बारे में बताना है कि वो किस प्रकार भारत के आर्थिक विकास में योगदान देती है तो सबसे पहले ये रोजगार उपलब्ध कराती है विदेशी मुद्रा अर्जित करती है और इसमें कार्यरत महिलाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उनका निरंतर विकास हो रहा है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करना तो आपको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप देख ही रहे होंगे चारों ओर कि किस प्रकार जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो फैल रही है युवाओं को नए नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनके पास करियर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग विकल्प उपलब्ध है उनके सामने वो चाहे तो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं उस डायरेक्शन में तो ये सारी चीजें क्या है सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से हो रहा है लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं एक देश दूसरे देश से अच्छे से कनेक्ट पा रहा रिश्ते रिश्ते बन रहे हैं राइट तो ये सारी चीजें क्या है सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही हो पा रहा है और नेक्स्ट हम देखते हैं कि उद्योगों के जो विभिन्न वर्गीकरण है वो हमें बताना है कि उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण कौन से हैं तो जो श्रमिकों ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि इसको श्रमिकों के संख्या के आधार पर किया जाता है उत्पादों के आधार पर किया जाता है कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर होता है स्वामित्व के आधार पर होता है उस संसाधन पर या उस उद्योग पर किसका स्वामित्व है उसके आधार पर होता है और जो बनी हुई चीज़ है और जो प्राकृतिक है उसके आधार पर होता है राइट ये कुछ वर्गीकरण है जो कि उद्योगों के हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि उद्योगों की स्थापना में जो प्रमुख सहायता है उन कारकों पर हमें प्रकाश डालना है कि उद्योगों की स्थापना करने में ऐसे कौन से कारक हैं जो हेल्पफुल करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योगों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करने हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि उद्योगों की स्थापना जो है स्वावता बहुत जटिल है इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता से प्रभावित होती है अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उद्योग कहाँ से विकसित होंगे कहाँ से उपलब्ध करवा पाएंगे ठीक है तो इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना भी संभव नहीं है ऐसा भी नहीं होता कि आप उद्योग को स्थापित करने के लिए जो कारक चाहिए वो एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए राइट और जो विनिर्माण उद्योग है उनकी स्थापना के लिए वही स्थान उपयोग है जहाँ पे ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके कम कीमत पर सारी वस्तुएं उपलब्ध हो सके राइट तो ऐसा ही कारक जो है वो उद्योगों की स्थापना के लिए होता है जहाँ पे उसको लेबर भी अच्छी मिले कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो बाजार भी उसके निकट तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये कुछ कारक होते हैं औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ में होने के साथ साथ जो नवीकरण जो नगरीकरण है वो भी प्रारंभ होता है कभी कभी जो उद्योग हैं वो शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं क्योंकि उद्योग क्या होता है शहरों में या निकट लगाए जाते हैं क्योंकि वहां पे बाजार अच्छा खासा उपलब्ध होता है वहां पे परिवहन भी अच्छा खासा मिल जाता है राइट और औद्योगिक तथा जो, जो नगरीकरण है वो साथ साथ चलते हैं जैसे जैसे उद्योग बढ़ता है वैसे वैसे नगरीकरण भी बढ़ता है और जो नगर है वो उद्योगों को बाजार तक तथा सेवाएं जैसे कि बैंकिंग बीमा परिवहन श्रमिक तथा वित्तीय जो सलाह है वो भी आसानी से मिल जाता है और जो कई उद्योग हैं उनको नगरों के पास केंद्रित होने को समूहन बचत कहते हैं होता है ना कि जैसे उद्योग है अगर उनको नगरों के पास केंद्रित कर दिया जाए तो उनको समूहन बचत भी कहा जाता है और नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत की सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर हमें वर्गन वर्गीकरण करना है कि जो भारत है उसमें जो सड़कें हैं उसकी क्षमता के आधार पर हमें सड़कों का वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज ये महामार्ग है ये छह लेन वाला है स्वर्णिम चतुर्भुज ये चतुर्भुज होता है कुछ इस प्रकार से इसका विकास किया जा रहा है कि ये मिलकर चतुर्भुज बनाता है ठीक है और राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भाग को जोड़ता है जो राजमार्ग होते हैं वो दूर दूर के जो स्थान होते हैं वहां को जोड़ते हैं जो राष्ट्रीय महामार्ग है वो राज्यों की राजधानी की राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं दूर दूर के स्थान को जोड़ते हैं और जो राज्य महामार्ग होते हैं वो राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं और जिला मार्ग जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं ना उनको जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं और जो सीमांत सड़कें होती हैं वो सीमा सड़क संगठन इनका निर्माण करती है सीमांत सड़कें वो होती हैं जो बॉर्डर वगैरह में जो बॉर्डर पर सामान वगैरह पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती हैं फौज वगैरह होते हैं ना बॉर्डर जो बॉर्डर के आस पास होते हैं वहां पर मेडिसिन वगैरह पहुंचाने के लिए संसाधन पहुंचाने के लिए जो सड़कें होती हैं उनको हम सीमांत सड़कें कहते हैं राइट तो ये कुछ सड़क है जिनको उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और नेक्स्ट हम देखते हैं परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा गया है कि जो जो परिवहन और संचार है उसको संसाधनों की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा गया हमें ये बताना है तो परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक हैं परिवहन और संचार जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं और देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं संचार की वजह से आप देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो संचार की वजह से और परिवहन की वजह से भी हम एक देश से दूसरे देश में देश को विदेश से जोड़ने में आसानी मिली है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है लोग एक देश से दूसरे देश अब आसानी से जाते हैं और पर्यटन भी करते हैं और विदेशी मुद्रा है उसकी भी प्राप्ति होती है जीवन आरामदायक और सुविधापूर्ण हो जाता है और जो सारा देश है वो आपातकाल में एकजुट भी हो सकता है किसकी वजह से परिवहन और संचार की वजह से और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो परिवहन तथा संचार है उसके विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में सड़क परिवहन के महत्व को हमें चार बिंदुओं को स्पष्ट करना है कि जो भारत में सड़क परिवहन है उसके महत्वपूर्णता को उसके महत्व को हमें चार बिंदुओं में स्पष्ट करना है तो भारत जो है वो सघन जाल वाले देशों में से एक है मतलब जाल बहुत अधिक जाल है हमारे भारत में सड़कों का और जो माल परिवहन है उसके लिए सर्वोत्तम है छोटी दूरियों के लिए सबसे अच्छा साधन होता है सड़क अगर आपको एक मान लीजिए आपको दिल्ली में ही या फिर आपको एक इलाके से एक घंटे का रास्ता या आधे घंटे के रास्ते के लिए आपको जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेन से जाएंगे मेट्रो से जाएंगे मेट्रो से यूज कर सकते हैं पर ऐसा तो नहीं ना कि आप ट्रेन से जाएंगे एरोप्लेन से जाएंगे अगर आपको थोड़ी सी दूरी तय करनी है छोटी दूरियां हैं तो उसके लिए जो सड़क है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो सस्ता और जो अच्छा साधन भी सड़क को ही माना जाता है तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं सड़क परिवहन के बारे में और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भारत है उसमें पर्यटन का क्या मतलब है तीन बंदू में बताना कि भारत में जो पर्यटन है किस प्रकार महत्वपूर्ण है आप देख रहे होंगे कि भारत में जो पर्यटन है वो बढ़ रहा है भारत में इन्हीं हर जगह पर्यटन बढ़ रहा है परंतु हमें भारत में बताना है तो जो पर्यटन उद्योग है एक महत्वपूर्ण उद्योग है प्रत्येक वर्ष छब्बीस लाख से अधिक पर्यटक जो हैं वो भारत आते हैं और लगभग एक लाख व्यक्ति पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं और राजस्थान गोवा दक्षिण भारत के प्रमुख नगर जो हैं वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं लाखों लोग जो है वो भारत में प्रत्येक वर्ष आते हैं पर्यटन के लिए तो जो पर्यटन उद्योग है वो एक विकसित होता हुआ क्षेत्र है भारत में और नेक्स्ट हम ने देखते हैं राष्ट्रीय महामार्ग जो होते हैं उनकी हमें चार विशेषताएं लिखनी है तो ये महामार्ग एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं इनका रख रखाव केंद्रीय सरकार के क्योंकि वो एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाते हैं तो इनका रख रखाव जो है वो केंद्र सरकार के देख में होता है और इनकी जो कुल लंबाई होती है वो बावन हजार किलोमीटर होती है और ये कुल सड़कों की लंबाई का दो प्रतिशत दो होती है और नेक्स्ट हम देखे देखते हैं कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसकी हमें विशेषताएं बतानी है तो ये जो है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता ऐसे जोड़कर ये जो है चतुर्भुज बनाता है जिसकी वजह से हम इसको स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप मैप में देखेंगे अपनी बुक में तो आपको दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज बनाता है जिसके वजह से हम स्वर्णिम चतुर्भुज इसको कहते हैं और ये छह लेन वाला महामार्ग है और मुख्य उद्देश्य देश के मेगा सिटी के बीच की जो दूरी है जो मेगा सिटीज हैं उनके बीच की जो दूरी है उस और जो समय है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का अब हम देखते हैं कि जो भारत है उसके चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई पतनों के नाम बताने हैं तो अंतर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है चेन्नई मीनाम्बक्कम और मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब हम देखते हैं कि वायु परिवहन के महत्व को हमें चार बिंदुओं में स्पष्ट करना है कि जो वायु परिवहन है उस की महत्वपूर्ण उनके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताना है तो ये जो परिवहन है ये बहुत आरामदायक होता है दुर्गम स्थानों के लिए बहुत उपयुक्त है ठीक है और कम समय में लंबी दूरी के लिए भी बहुत उपयुक्त है और इससे क्या होता है लोगों का शान बढ़ता है वायु परिवहन से और कम समय में अगर आपको बहुत दूरी की डिस्टेंस तय करना तो उसके लिए बहुत उपयोगी है और जो तो दुर्गम स्थान होते हैं आप वहां पर भी आसानी से वायु परिवहन के द्वारा पहुंच सकते हैं राइट और जैसे होता है ना बाढ़ वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल होता है वायु परिवहन राइट तो ये कुछ कारण है जो कि वायु परिवहन के इंपॉर्टेंस है अब हम देखते हैं रेल परिवहन किन तीन समस्याओं का सामना कर रहा है यात्री जो है बिना टिकट के यात्रा करते हैं ये तो इंडिया में आम बात है और जो रेल संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं जो रेल है उसमें चोरी की घटनाएं भी होती हैं और सिग्नल जो प्रणाली है हमारी जो ट्रेन को सिग्नल देने की जो प्रणाली है वो बहुत ही पुरानी है जिसके कारण क्या होता है दुर्घटना भी बहुत होता है तो ये कुछ समस्याएं हैं जिससे रेल परिवहन जो है वो जूझ रहा है तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जैसा अभी हमने रेल परिवहन की समस्याओं का वर्णन किया अब हम हमें बताना है जो सड़क परिवहन है उसकी चार समस्याओं का हमें वर्णन करना है तो इसमें समस्याएं था था क्या है सड़क परिवहन में कि यात्रियों की संख्या और जो माल ढुलाई किया देखता है उसको देखते हुए जो सड़क है जाल जो है सड़क का जो जाल है वो अपेक्षाकृत कम है यात्रों की संख्या बहुत है माल ढुलाई की जो अधिकता है वो भी बहुत है उसके हिसाब से जो जो सड़क जाल है वो बहुत अपेक्षाकृत है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जाम के जैसी समस्याएं देखने की देखने को मिलती हैं और 50 प्रतिशत जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं जो कि वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है जो सड़कें हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होता है क्योंकि वो कच्चे कच्ची सड़कें बनाई होती हैं और जो सड़कें होती हैं वो संकरी हैं मतलब पतली पतली हैं और तथा तो यातायात जो है अधिक होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है जितना हमें आवश्यक है सड़कों की उससे उससे कहीं ज़्यादा जो है यात्री हैं जिसकी वजह से क्या होता यात्री है यात्री हैं और कार हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि सड़कों पर हमें ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि सड़क परिवहन के हैं और अब हम देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्पज से कि जो पाइपलाइन परिवहन होता है वो क्या होता है और नुकसान तथा और इसके जो नुकसान हैं और जो विशेषताएं हैं हमें वो बतानी है तो पाइपलाइन परिवहन क्या होता है कि बहुत लंबी लंबी दूरियों तक ना जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया विदेशों में तो दूध भी पहुंचाया जाता है इससे तो जो पाइपलाइन परिवहन होता है उसमें लंबी दूरी तक जो तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड पदार्थ और जो गैस होती है उसके परिवहन का सबसे उपयुक्त कुशल तरीका है ये और जो ठोस पदार्थ होते हैं जो कि स्लरी में परिवर्तित करने लायक होते हैं उसको भी पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जा सकता है जो कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनको हम तरल पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं उनको भी पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है जैसे कि इंडिया में भी आपने देखा होगा कि आजकल गैसेस जो हैं एलपीजी जो गैसे हैं वो पाइपलाइन के थ्रू भी पहुंच रही हैं तो ये क्या है ये भी एक पाइपलाइन परिवहन का ही उदाहरण है और ये जो परिवहन है वो अन्य साधनों जैसे कि सड़क रेल आदि की तुलना में जो है सुरक्षित भी है और दुर्घटना मुक्त है इसमें कोई दुर्घटना नहीं होता है और इसे जो है पहाड़ों पहाड़ों पर पहाड़ियों में पानी के नीचे और जो कठिन इलाके होते हैं वहां पर भी पाइपलाइन परिवहन के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में देखते हैं तो जो पाइपलाइन परिवहन है उसमें प्रारंभिक जो लागत होता है उसके अलावा जो प्रारंभ में जितनी लागत लग गई लग गई उसके बाद जो रख रक रखाव का जो खर्च होता है वो बहुत कम आता है जिसकी वजह से ये जो है एक बहुत ही सस्ता साधन है और इससे क्या होता है ना ऊर्जा की भी बचत होती है और ये पर्यावरण के भी अनुकूल है जैसे की सड़कों पर होता न, है ना वाहन वगैरह चलते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी होता है ऊर्जा भी खपत होता है परंतु इसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती इस वजह से क्या होता है ऊर्जा की भी बचत होती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता राइट परंतु जो पाइपलाइन परिवहन है उसके कुछ नुकसान भी है जो कि इस प्रकार है कि हम इसके द्वारा सिर्फ जो तरल और जो गैस और अर्ध तरल होते हैं सिर्फ उनको ही परिवहन के द्वारा कर सकते हैं पाइपलाइन परिवहन के द्वारा और जो ठोस वस्तु जैसे लोहा कोयला इनको परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है ये और जो प्रारंभिक लागत है वो बहुत अधिक होता है और इसमें ना जो रिसाव है और जो पाइपलाइन है उसको टूटने का खतरा भी होता है जिसकी वजह से क्या होता है ना कि अगर पाइपलाइन टूट भी जाती है तो पता नहीं चलता है कि ये पाइप जो है वो कहाँ से टूटा है इसमें रिसाव कहाँ से हो रहा है राइट और इससे क्या होता है कि प्राकृतिक और जो मानवीय खतरे हैं उसमें सुरक्षित बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है जिससे क्या होता है इसमें बहुत जहाँ पे मानव वाला इलाका होता है वहाँ पे सुरक्षित बनाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है इसमें क्योंकि इनके रिसाव का तो पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से फटा है पाइप राइट तो ये कुछ नुकसान है पाइपलाइन परिवहन के और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ये इस चैप्टर में सॉरी इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सभी चैप्टर से लिए गए थे और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगर आपको कोई डाउट हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग